ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये भागलपुर का स्मार्ट सिटी है। जी हाँ, वही स्मार्ट सिटी जहाँ पर लगातार लूट मची रहती है। और ये वही भागलपुर की तस्वीर है जहाँ पर थोड़ी बारिश के बाद इस शहर के ये हालात हो जाते हैं। ये सी तस्वीर आपको भोलानाथ पुल में देखे जाते थे, वहाँ पर जलजमा होता था, साथ ही निचला इलाका जो है वहाँ पर जलजमा होता था। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये आकाशवाणी चौक है, आकाशवाणी है बगल में, और ये आकाशवाणी चौक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जल का काफ़ी तेज़ बहाव रहा, और आज जो है बारिश हुई है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार हालात बन रहे हैं, भागलपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर लगातार जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन नगर निगम या फिर जो स्मार्ट सिटी के जो नुमाइंदे हैं, ना तो इस पर ध्यान देते हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ हवा हवाई बातों पर रहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अगर पानी जमा होता है तो हम जो हैं उसको हटाते हैं, और जो लोग जो हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या कहें। रुकिएगा भैया, अच्छा ठीक है, बारिश में जा रहे हैं स्मार्ट सिटी में, क्या कहेंगे सर? कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अजीत शर्मा सर को आके एक बार ये देखना चाहिए कि भागलपुर क्या स्थिति है, यहाँ के विधायक होते हुए ये शहर का क्या स्थिति है। सर जाके वहाँ देखिए, दो आदमी गिर गया पानी में, बहने से बच गया। स्मार्ट सिटी में आप, ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये सबसे थर्ड क्लास सिटी है। स्मार्ट सिटी कौन बोलेगा इसको सर? हम 65 साल की उम्र हो गया भागलपुर में, लेकिन ऐसा स्थिति कभी भी नहीं देखे थे। स्मार्ट सिटी जब से बना है तब से भागलपुर की स्थिति और ख़राब हो गया। पूरे शहर को रोड के कार्ड बीक के रख दिया गया सर। अभी दो आदमी वहाँ पर मोटरसाइकिल से भसने से बच गया है। इसको विधायक जी से एक बार बोलिए कि यहाँ के आदमपुर का स्थिति देखें, तब स्मार्ट सिटी होगा। ये नाम का स्मार्ट सिटी, बच्चा भी जा रहा है, इससे भी जानेंगे। आज तेज बहाव में जा रहे हैं आप, ये भागलपुर का शहरी क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी कहते हैं, क्या कहें? यही यहाँ नाली था पहले, यहाँ से पाइप तक तोड़ दिया, पहले यहाँ तोड़ता था, हमको लगा कि यहाँ पानी अब नहीं आएगा, फिर भी आ रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी है क्या ये? नहीं, हमको तो इसको देख के बिल्कुल नहीं लगता है स्मार्ट सिटी है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्लास में 8 मैम जी, बिल्कुल बच्चे का भी वही कहना है। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ स्मार्ट सिटी कहीं से भी जायज़ नहीं है कि इसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाए। ये तस्वीर जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी तेज बहाव है और घुटने भर पानी है वहाँ पर। ये जो देख रहे हैं आप तस्वीर, वहाँ पर घुटने भर पानी है, जहाँ जा नहीं सकते हैं, बगल में नाली है। अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो नगर निगम उस टाइम पल्ला झाड़ देगी कि ये हमारी जवाबदेही नहीं है, लेकिन जवाबदेही उनकी है, जवाबदेही नगर निगम और स्मार्ट सिटी के नुमाइंदे की है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार और बारिश होने के बाद जल जमा होता है, काफ़ी तेज़ बहाव होता है और नाले का पानी सड़क पर आ जाता है। ये तस्वीर आप भोलानाथ पुल से देखते थे, लेकिन अब ये शहर में भी आम बात हो गई है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। दूध लेकर जा रहे हैं, जल जमाव में दूध लेकर जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हैं आप? हाँ, हम स्मार्ट सिटी में हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी, इसको नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है सिर्फ सर स्मार्ट सिटी का। ये देख के लगता है ये एक गाँव से भी बेहतर है, इसको नहीं मानते हम स्मार्ट सिटी। ये नगर निगम भी अपना ध्यान दे थोड़ा, और इस पानी का कुछ ऐसा निकाला जाए जो कि आदमी को परेशानी कम हो। बिल्कुल, पानी निकासी की बात कर लें तो नगर निगम द्वारा यहाँ पर कहीं पर आप मशीन या फिर मोटर वाहन नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अभी अगर हम नगर निगम के पास पहुँचेंगे, अधिकारी के पास पहुँचेंगे, तो उनका यही कहना होगा कि हमने वहाँ पर मोटर लगवाया और जल जमाव की जो स्थिति थी उसको तुरंत उससे निजात दिलवाया है लोगों को। लेकिन तस्वीर यहाँ पर किसी से छुपी नहीं है, जो स्थिति है यहाँ पर किसी से छुपी नहीं है। अपने आया कहाँ? स्मार्ट सिटी का ये पानी है। तो आप ये तस्वीर आकाशवाणी चौक भागलपुर के शहरी इलाके से, जो थोड़ी दूर में नगर निगम है और स्मार्ट सिटी का कार्यालय है, यहाँ से आप देख रहे हैं। यही हालात बारिश होने के बाद हर जगह भागलपुर में अब बनने लगे हैं। हालांकि मानसून अंतिम चरण पर है, टर्फ लाइन से मानसून गुजर रहा, इसके बाद मानसून के अंतिम बारिश ऐसी है कि भागलपुर की तस्वीर आपको बयां कर रही है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।